जो आज मैं प्रॉब्लम क्यों वो डिस्कस करने आया हूँ, वो प्रॉब्लम ये है कि ये छोटा बच्चा है 50 दिन के करीब का, 50-55 दिन का, इसको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी कैल्शियम की है, विटामिंस की है, जिसकी वजह से इसके जो पाँव हैं वो मुड़ना शुरू हो गए हैं, इसके जो फ्रंट लेग्स हैं वो मुड़ना शुरू हो गई हैं। आप देखेंगे तो ये फ्रंट फिंगर्स जो हैं इस ब्रीड की, इस बच्चे की, ये मुड़ना शुरू हो गई हैं, यहाँ से भी मुड़ना शुरू हो गया, यहाँ से भी इसकी लेग मुड़ रही है। उसका रीज़न है बहुत सॉलिड। ये प्रॉब्लम और ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब बच्चों को टाइम पे खाना नहीं मिलता या बैलेंस फूड नहीं मिलता, पुअर क्वालिटी का हम डॉग फूड दे देते हैं, सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं या होममेड फूड सीधा ही शुरू कर देते हैं। वो हर किसी से डरेगा, हर किसी को गुस्सा करने की कोशिश करेगा, काटने की कोशिश करेगा, उसका भी रीज़न रहता है। पिछली हाइंड लेग और अगली राइट लेग, ये दोनों लेग्स की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जो बच्चे की साथ प्रॉब्लम आ रही है, और इसका हम सोल्यूशन भी देंगे और हम इसको ठीक भी करेंगे। मेन सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप जब मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसकी लेग्स की प्रॉब्लम है, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, इसका सोल्यूशन भी मैंने बताया है कि इसको ठीक भी किया कैसे किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड, योर होस्ट पारुल भंडारी, एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल, दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके टाइम के लिए। मैं पिछले 24 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूँ और मैं बिहेवियरिस्ट हूँ डॉग्स का। मेरी हमेशा कोशिश रहती है नया से नया वीडियो बनाऊँ, हमेशा नई नॉलेज शेयर करूँ आपके सामने, आपके साथ में जो मैंने सीखा है इस लाइफ में वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। अब आप देखिए, मेरे साथ में एक बच्चा है और ये बॉक्सर बेबी है, ये बहुत ही प्यारा सा नटखट सा बच्चा है और बहुत गुस्से वाला भी है थोड़ा थोड़ा। इसके जो आज मैं प्रॉब्लम क्यों वो डिस्कस करने आया हूँ, वो प्रॉब्लम ये है कि ये छोटा बच्चा है 50 दिन के करीब का, 50-55 दिन का, इसको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी कैल्शियम की है, विटामिंस की है, जिसकी वजह से इसके जो पाँव हैं वो मुड़ना शुरू हो गए हैं, इसके जो फ्रंट लेग्स हैं वो मुड़ना शुरू हो गई हैं। आप देखेंगे तो ये फ्रंट फिंगर्स जो हैं इस ब्रीड की, इस बच्चे की, ये मुड़ना शुरू हो गई हैं, यहाँ से भी मुड़ना शुरू हो गया, यहाँ से भी इसकी लेग मुड़ रही है। उसका रीज़न है बहुत सॉलिड। बहुत बारी होता है कि जो ब्रीडर है या जो हम ट्रेडर्स जो होते हैं जो डॉग को सेल करते हैं, समटाइम्स हम या हम लोग खुद भी अकेले उनको हम कल्पित नहीं ठहरा सकते, हमें भी लगता है हम डॉग को केज में डाल के रखते हैं तो इट विल बी ओके, जबकि वो प्रॉब्लम हो जाती है। हमें डॉग को केज में नहीं रखना चाहिए, छोटे बच्चे को जब केज में रखेंगे तो उसकी टांगे खराब होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम और ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब बच्चों को टाइम पे खाना नहीं मिलता या बैलेंस फूड नहीं मिलता, पुअर क्वालिटी का हम डॉग फूड दे देते हैं, सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं या होममेड फूड सीधा ही शुरू कर देते हैं। बेसिकली वो जो फूड है वो बैलेंस्ड नहीं है। बेसिकली बच्चे को बैलेंस फूड देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बैलेंस फूड नहीं देंगे, उसके ना तो नर्वाइन सिस्टम उसका बढ़िया चलेगा, ना उसके जॉइंट फॉर्मेशन अच्छी होंगी, बोन्स ग्रो तो करेंगी, बड़ी तो होंगी लेकिन वो हॉलो होंगी अंदर से, जॉइंट्स वीक होंगे तो टांगे मुड़ने का, फिंगर्स मुड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लस डेफिशिएंसी की वजह से उनको, जब इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी होगी तो उसके अंदर वीकनेस होगी, जो वीकनेस होगी, वीकनेस की वजह से डॉग एग्रेसिव होना शुरू हो जाता है, उसका टेम्परमेंट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, वो हर किसी से डरेगा, हर किसी को गुस्सा करने की कोशिश करेगा, काटने की कोशिश करेगा, उसका भी रीज़न रहता है। जब जो वीक है ना वो हमेशा पहले अटैक करने की कोशिश करता है, उसको लगता है मैं पहले मार लूँ दूसरे वाले से उसको, क्योंकि इंटरनली डर है। जो स्ट्रांग होगा उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको मालूम है कि मैं आई कैन हैंडल दिस। अब जैसे ये जो बच्चा है ये वीक है इंटरनली, बॉडी वेट जो है इट इज़ 5 kg, लेकिन उसको शायद हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हुई पहले, शायद उसको टाइम पे खाना नहीं मिला या शायद क्या हुआ, क्योंकि मेरे ये जो बेबी है ये मेरे बड़े डियर पर्सन है, मेरे छोटे भाई जैसे ही हैं, जो जिन्होंने इसे परचेज़ किया 2-3 दिन पहले ही वो लेके आए हैं, अपनी तरफ से वो बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे, मेरे पास में आया, मैंने नया डाइट शेड्यूल बना के दिया है, जब इसकी इंप्रूवमेंट आती है तो डेफिनेटली अगर वो दोबारा आएंगे हमारे पास में तो मैं इसके साथ में ब्लॉग बना के फिर से डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो हम बच्चे को टाइम देते हैं, बच्चे को जो डाइट देते हैं वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉब्लम टांगों की बढ़ने के रीज़न रहता है, हम छोटे बच्चे को ही बेल्ट के साथ बांध के रखना शुरू कर देते हैं, चेन के साथ बांधना शुरू कर देते हैं, या जैसे इस बच्चे की बात करूं तो मेरी अभी इसके ऑनर से भी बात हो रही थी, ही टोल्ड मी कि इसने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया, तो मैंने वो भी इसकी रोकी है कि सीढ़ी नहीं चढ़ने देना, बिकॉज जो प्रेशर है वो सारा जॉइंट्स पे आएगा, फ्रंट लेग्स पे आएगा, हैंड लेग्स पे आएगा, लेग्स मुड़ने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये जो बच्चा है इस समय बड़ा शांत होकर बैठा हुआ है,
प्यारा बच्चा है, शांत बैठा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसकी चलने का भी इसकी जो प्रॉब्लम है वो इसीलिए है क्योंकि वीकनेस है, इंटरनल वीकनेस है, जॉइंट्स वीक है, नसों में उतनी प्रॉपर ताकत नहीं है। अदरवाइज ही इज गुड, ही इज अ ब्यूटीफुल बेबी, बॉक्सर है। बहुत देर से मेरा मन था एक छोटे से बॉक्सर प्यारे से बेबी के साथ मैं वीडियो बनाऊं। इसका जो जॉ होता है बॉक्सर का, वो जो नीचे वाला है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर है, जैसे ये देखिए आप, ये देखिए इसकी जो बाइट है वो इस तरह से नीचे वाला जॉ बाहर होता है। नॉर्मली जो ज़्यादातर डॉग्स होते हैं ब्रीड्स, उनका नीचे का जो जॉ है वो अंदर होता है, राइट। ये इसीलिए इनकी जो शक्ल है वो इस तरह से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी मुंह बनाते रहते हैं। बट ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम ऑनर के लिए भी बॉक्सर बहुत अच्छी ब्रीड है। आप फ्लैट में रखना चाहते हैं तो भी बॉक्सर बहुत अच्छी ब्रीड है, बच्चों के साथ रखना चाहते हैं तो भी बॉक्सर बहुत अच्छी ब्रीड है। लेकिन जब हम बच्चा लें तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि उसकी फ्रंट लेग्स, हाइंड लेग्स, उसको चला फिर आके देखिए उसकी लेग्स में प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी टांगें तो नहीं खराब हो रही, क्योंकि अगर टांगें खराब होंगी तो आपको उसे रिपेयर करवाना पड़ेगा, ट्रीट करवाना पड़ेगा, रिपेयर बोल रहा हूँ, और ऑफकोर्स रिपेयर जैसे ही सिस्टम हो जाता है। तो इनके पास तो मैं था ही, आई एम वेरी मच रीचेबल टू हिम, जिनका ये बेबी है तो मैं तो उनको हर स्टेप पे गाइड करता रहूँगा। लेकिन और जब आप डॉग कहीं से भी लें, थ्रू आउट वर्ल्ड कहीं से भी लेते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिए, हेल्दी बेबी लेना है, लेग्स फ्रंट और बैक चेक करके लेना है, और टेम्परमेंट देख के लेना है, डिस्टर्ब ना हो, गुस्से वाला ना हो, राइट। आई होप ये जो वीडियो बनाया है कि बच्चे को फ्रंट लेग्स का जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इसको मैंने, हाँ सोल्यूशन देना चाह रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन देना बहुत ज़रूरी है। सोल्यूशन ये है इसका, इसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो हमें कैल्शियम भी देना है, मल्टी विटामिन भी देना है। वील स्टार्टेड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, मल्टी विटामिन, लिवर, कैल्शियम और विटामिन D3 स्टार्ट किया है साथ में। उसकी डोज बहुत मॉनिटर, अपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करके लीजिए, उसकी डोज बहुत हिसाब से होती है, ओवर नहीं देना कभी भी विटामिन डी थ्री देना है। और उसके अलावा हम इसे ग्लूकोसामाइन स्टार्ट करेंगे ताकि इसके जॉइंट्स, इसकी फॉर्मेशन, इसका चलने फिरना, सारे का सारा सिस्टम जो है वो प्रॉपर रहे। मज़ा तभी आएगा इस बच्चे को, इसकी ग्रोथ देखिए, सब चीज़। आई होप ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप वीडियो मिस ना करें, और बेल का बटन ज़रूर ऑन रखिए सो दैट आप कभी भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस ना करें। थैंक यू सो मच, साइन दिया करेंगे मुझ पे, आप पे, हमारे पेट्स पे। लव यू ऑल, थैंक यू। Your friends forever.